नमस्कार फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक को लेकर के है जो बहुत सेंसिटिव हो चुका है हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, क्या वो आहट है ग्रेट डिप्रेशन को लेकर के, क्या वो आहट है आने वाले ग्लोबल रिसेशन को लेकर के, उसका भारत में भी कुछ बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो इसकी चिंता सभी को बनी हुई है। खास करके जब लास्ट वीक यूएस का 14वां सबसे बड़ा बैंक यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, हालांकि उसको जेपी मॉर्गन खरीदने की तैयारी में है और ले रहा है, बट फिर भी जो हालात बने हुए हैं वो बहुत डरावने हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। 2008 का जो वर्ल्ड रिसेशन आया था उसके बाद ये यूएस में सबसे बड़ा बैंकिंग कोलैप्स है जो अभी यूएस फेस कर रहा है। और सिर्फ यही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की ही बात नहीं है, पिछले दिनों में लास्ट मंथ में भी हमने देखा कि काफ़ी बैंक्स कोलैप्स हुए और काफ़ी नीचे गए। उसके अलावा अगर सिर्फ कल की बात करें यानी कि ट्यूसडे की बात करें, तो जो यूएस के बैंक्स हैं, जो रीजनल बैंक्स हैं, वो धड़ल्ले से नीचे आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। उनके शेयर्स की अगर बात करें तो पैकवेस्ट बैंकॉर्प है जिसका 30% शेयर डाउन चला गया, होम स्ट्रीट बैंक का 15% डाउन गया, वेस्टर्न अलायंस बैंक 21% डाउन पे था, की कॉर्प 10% डाउन पे था, जैन बैंक 10% डाउन पे था। तो यानी कि रीजनल जो बैंक्स हैं उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। जो यूएस में रीजनल बैंक्स हैं वो भी एक तरह से कोलैप्स की कागार पे हैं, हैवी मेल्टडाउन चल रहा है रीजनल बैंक्स का भी। तो ऐसे में जो आने वाला समय है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, इसके लिए हमें वेट एंड वॉच की ज़रूरत है। हालांकि इनफैक्ट लॉ मेकर्स जो हैं यूएस में, उन्होंने तो फेडरल रिजर्व्स को आगाह कर दिया है, वार्न कर दिया है कि वो जो है इंटरेस्ट रेट हाइक्स को अभी रोक के रखें और उसे ना बढ़ाएं। तो ये जो सब सिचुएशंस हैं ये कुछ ठीक नहीं है यूएस के लिए, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हाँ, भारत के जो बैंक्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो हमारा SBI है वो अभी भी प्रॉफिट मेकिंग में है, हमारे दूसरे बैंक्स भी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत पे बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होने वाला, बाकी वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होने वाला है इस रिसेशन के दौर में जो यूएस पे एक बड़ा असर डाल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।